हाय पिछले कुछ महीनों से रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसका असर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और ट्रेड्स पर पड़ रहा है जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन शुरू किया है वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन यूके और यूएस ने रशिया पे कई इकोनॉमिक सैक्शन लगाए हैं रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है जिसकी वजह से रशिया से टू एंड फ्रो ट्रांजेक्शन डिफिकल्ट हो गई है इसके अलावा रशिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्टर भी है और उनकी इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लेकिन कुछ दिनों पहले यूएस ने अनाउंस किया कि वो रशियन ऑयल और गैस पे बैन लगा रहे हैं और इतने सारे इकोनॉमिक सैक्शन के बीच यूएस द्वारा रशियन ऑयल इंपोर्ट पे बैन लगाना रशियन इकॉनमी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू भी इन्हीं रीजन की वजह से नीचे गिर गई है इन सभी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई का क्रंच हो सकता है जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस भी पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से इंक्रीज हुए हैं और यह इंडिया के लिए अच्छा साइन नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया अपने टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट्स का मोर देन 80 परसेंट हिस्सा इम्पोर्ट करता है और ऑयल प्राइस के बढ़ने से इंडिया में फिजिकल डेफिसिट और इन्फ्लेशन लेवल्स राइज होंगे तो अब इस पूरी सिचुएशन में रशिया एक तरफ अपने ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए नए बायर्स ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अपने बढ़ते हुए एनर्जी बिल को रिड्यूस करने के लिए कम प्राइसेस पर ऑयल कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इकोनोमी तो तो के लिए बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन क्या इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिसकी बात आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया और रशिया के बीच कारंटली कितना ऑयल ट्रेड होता है अगर हम इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो उसमें से इंडिया रशिया से सिर्फ दो से तीन परसेंट ऑयल ही इंपोर्ट करता है अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया रशिया से इतना कम ऑयल क्यों इम्पोर्ट करता है इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी रिसेंटली कहा था कि उन्हें रशियंस द्वारा एक ओपन ऑफर दिया गया है जहां वो डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल दे सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि काफी सारे फैक्टर्स हैं जो उन्हें अकाउंट में लेने होंगे फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर इंपोर्ट करता भी है तो भी इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से सभी गेन्स ऑफसेट हो जाएंगे अब चलिए यह देखते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर सकता है कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया रशिया द्वारा ऑफर डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल बाय करने के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यूरोपियन यूनियन यूएस और ब्रिटेन ने रशिया पे काफी सारे सैंक्शन लगाए हैं तो उस वजह से रशियन बैंक और कंपनीज मेजर करेंसीज जैसे कि डॉलर्स और यूरो में बिजनेस नहीं कर पा रही है ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह भी बताया कि इंडियन और रशियन गवर्नमेंट एक रूपी रूबल ट्रेड मैके वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस अरेंजमेंट के थ्रू इंडिया द्वारा किए गए एक्सपोर्ट्स की पेमेंट डॉलर्स या यूरोस की जगह रुपीस में की जाएगी सिमिलरली रशिया द्वारा किए गए एक्सपोर्ट्स की पेमेंट रूबल्स में की जाएगी इसके अलावा न्यूज सोर्सेज के अकॉर्डिंग आर भी पेमेंट्स फैसिलिटेट करने के लिए कुछ बैंक जैसे कि यूको बैंक से कंसल्ट कर रहा है अगर ये मैकेनिज्म सेटअप कर लिया जाता है तो इंडिया और रशिया के बीच ऑयल ट्रेड बढ़ सकता है इंडिया ने पहले भी ईरान के साथ कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म सेटअप किया था हालांकि रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस हैं जैसे कि शिपिंग वेसल्स की अवेलेबिलिटी रशिया से इम्पोर्ट्स पे हाई इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्सेट्रा इसके अलावा डिफरेंट ऑयल ब्लैंड की वजह से इंडियन कम कंपनीज को रिफाइनिंग कैपेबिलिटी और उससे जुड़े कॉस्ट भी असेस करने होंगे इसके अलावा ये सिचुएशन जियोपॉलिटिकली काफी सेंसिटिव है जो कि एक और चैलेंज है इंडिया द्वारा रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने में ऐसे में जब तक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज होती तब तक ये कॉमेंट करना मुश्किल है की इंडिया रशिया से डिस्काउंट पे ऑयल इम्पोर्ट करेगा या नहीं तो ये था एक छोटा सा अपडेट करंट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर और इंडिया का वहां पे क्या स्टैंड है हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको करंट सिचुएशन को समझने में आपकी हेल्प करेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपके इस मुद्दे पे क्या विचार है इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट इंडिकेटर्स फ्यूचर्स ऑप्शन एटसेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है मार्केट के बारे में सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करेंट सोटी मार्केट सब्ज मार्केट रिस्क रीड ऑल रिलेटेड डॉक्टर इन्वेस्टिंग प्लीज रीड रिस्क डॉक्टर इन्वेस्टिंग शेयर रिलेटिव म्यूचअल फंड एंड इंट्रूमेंट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस